दुनिया के अंदर जहाँ हिंदुस्तानी बसता है उनकी तमन्ना रही, जो इस दुनिया से चले गए उनकी तमन्ना रही, उनकी दुआओं के बदौलत ये आज दिन हमको देखना नसीब हुआ। कुछ साल पहले इसकी बुनियाद रखी गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन जफर फारूकी साहब यूपी वक्फ बोर्ड के, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने इस बात की, क्या हुआ बरकातहू दोस्तों, आज हिंदुस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए आज बहुत अहम और बहुत बड़ा दिन है, जिस दिन का इंतजार हिंदुस्तान का मुसलमान कर रहा था। ये आज अहम दिन, ना जाने कौन सा अल्लाह वाला इस दिन का इंतजार कर रहा था, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। जो दुनिया में जिंदा है वो भी दुआ कर रहे थे और जो दुनिया से चले गए वो भी इस दिन का इंतजार कर रहे थे, उनकी दुआओं के बदौलत आज ये दिन देखना हम सबको नसीब हुआ। हिंदुस्तान की ये शाही मस्जिद इतिहास के पन्नों पर दर्ज की जाएगी कि जिस मस्जिद का नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम के साथ रखा गया है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये बाबरकत नाम इस हिंदुस्तान में मोहब्बतें लाएगा, नफरतें दूर होगी। दो समाज के अंदर एक दूरियां थी वो नजदीकियां में आएगी। ये बाबरकत नाम की इतनी फजीलत है कि इस देश को तरक्की और तरक्की का रास्ता खुलेगा। मैं आज बहुत खुश हूं कि हमारे बीच यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी साहब, मौलाना अब्दुल्ला कमर साहब, डॉक्टर आबिद साहब और हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा और पीर इस प्रोग्राम में शामिल रहे। उन्होंने दुआओं से इस हाजी अराफत शेख को नवाजा और सभी लोगों ने एक आवाज में लबैक किया कि पूरा हिंदुस्तान इसकी नींव रखने के लिए खड़ा रहेगा। आज हिंदुस्तान के अंदर मुंबई शहर से मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की पहली ईद हमने चेयरमैन साहब के साम पास रखी। ये ईद अयोध्या के तरफ धनीपुर जाएगी और इस मस्जिद की पहली नींव हमने रखने की आज बुनियाद रखी। कुछ ही दिनों के अंदर ये जो सपना देखा है वो साकार होगा। 5 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट ने जो दी, मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। शायद उनको ये पता नहीं था, जब वो लिख रहे थे तो हाथ उनके थे लेकिन लिख अल्लाह रहा था। ये आज यकीन हुआ कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद को भारत ने अपने दिल में बसाया है। शायद धनीपुर को भी पता नहीं था, जब आर्किटेक्ट ने जब देखा तो पता चला कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का बराबर जो डॉट जो मस्जिद बन रही है वो भारत के दिल में बन रही है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, एक अद्भुत मस्जिद जो बनाई जा रही है। बहुत जल्दी इसका काम शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। पूरा देश का मुसलमान और इस चीज से लोग नाराज जो लोग थे वो भी इस बाबरकत नाम का विरोध नहीं करेंगे, मुझे यकीन है, क्योंकि ये बाबरकत नाम ऐसा नाम है कि इस नाम के बाद कोई नाम ही नहीं है ऐसा हम समझते हैं, क्योंकि ये नाम मोहब्बत लाएगा, नूर लाएगा, बरकतें लाएगा, ये मैं समझता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसकी नींव हमने शुरुआत की। इस मस्जिद का नाम, इस मस्जिद की पहली फोटो, इस मस्जिद की वीडियो, डिटेलिंग वीडियो, हर एक चीज का ख्याल रखा गया है। वहां एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है और वो कैंसर हॉस्पिटल ऐसा होगा
कि इसके बाद मुंबई शहर के अंदर कोई भी कैंसर के इलाज के लिए नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश में उस इमदादिया हॉस्पिटल में फ्री ऑफ चार्ज में उस कैंसर पेशेंट का इलाज किया जाएगा और ये हॉस्पिटल सभी जाति धर्म के लिए मुफ्त में इलाज करेगा। ये आपने वकार के ओनर खुद खुराकी वाला ने हुजैफा भाई ने कहा, तो ये अपने आप पे एक बड़ी बात है। ये एक पहली पहल, अब इसके बाद कॉलेज के लिए भी ऐसे इंसान को चुना जाएगा जो हिंदुस्तान में एक नाम रखता है, एक वजूद रखता है। हम ऐसे इंसान को वो सारी चीजें जाके देंगे ताकि आने वाले कल के अंदर नस्लें याद रखेंगे ये सारा काम हमारे चेयरमैन फारूकी साहब सुन्नी वक्फ बोर्ड इंडिया यूपी के हाथों किया जाएगा। इसकी शुरुआत हमने की, ये हाजी अराफा शेख इसके बाद सऊदी अरब का सफर करेगा, अल्लाह के घर जाएंगे, नबी के घर जाएंगे, उसके बाद हजारों की संख्या के अंदर ये हाजी अराफा शेख अयोध्या की तरफ मुंबई से कम 10,000 से ज्यादा लोग अयोध्या में ये ईंट पहुंचाने के लिए वहां पे आएंगे और इंशाअल्लाह ताला उसका काम बाबरकत तरीके से अच्छे तरीके से शुरुआत किया जाएगा इंशाअल्लाह। मैं बिल्कुल, मैं यहां पर अपने भाषण में भी कहा कि मैं एज अ मुस्लिम यहां पे आया हूं। पार्टी तो बिल्कुल होती है सबकी अपनी अपनी, हर कोई अपने अपने पार्टी से ताल्लुक रखता है, लेकिन मैं पार्टी का नेता बाद में हूँ, पहले मुसलमान हूँ और मुसलमान की हैसियत से मैं यहाँ पे आया हूँ। एक सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह का सज्जादा बोलकर यहाँ आया हूँ। जो जो सरकार से जरूरत लगेगी हम इंशाल्लाह ताला सरकार को रिक्वेस्ट करके विनंती करके, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमको सरकार की पैसों की मदद नहीं चाहिए, पर उसके अंदर हॉस्पिटल है, कॉलेज है, गार्डन है, ये सारी चीजें करने के लिए वो जगह छोटी कम पड़ती है, इसीलिए हम अपने पैसे से जगह खरीद कर वहां पे ये सारा इरादा पूरा खड़ा करेंगे। उसमें जो जरूरत लगेगी तो हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर सरकार से बात करके जो जो करना है वो बिल्कुल कराएंगे। मैं आज के आगे कहूंगा कि ये सारी चीज जितनी भी जमीनें ले जाएगी वो सिर्फ और लेने के बाद किसी की एक मिल्कियत नहीं होगी, वो वक्फ बोर्ड से इनके पास इनकी ट्रस्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रस्ट भी दी है, वक्फ बोर्ड के ताबे में ही वो सारी चीज दी जाएगी। वो इंशाल्लाह ताला जरूर वक्त आने पे बताया जाएगा। उसके लिए बड़े बड़े आर्किटेक्ट, बहुत सारे लोग, अब अलग अलग चीजें होगी और बहुत सारी चीजें होगी, उसमें क्या क्या और लाना है, हर वो चीज का हम पूरी तरीके से ख्याल रखेंगे कि बेस्ट से बेस्ट तरीके हो। लोग इंशाल्लाह ताला ताजमहल नहीं जाएंगे, लेकिन जरूर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद देखने के लिए हिंदुस्तान जब आएंगे तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद देखने जरूर आएंगे। डिजाइन को लेकर थोड़ा सा लोगों में बहुत उत्सुकता नहीं थी पुराने डिजाइन के, तो ये डिजाइन
लाइन हाजी साहब ने तैयार कराया बहुत अच्छे आर्किटेक्टों से और ये प्रेजेंटेशन दिया। अब हम फर्दर आगे कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का नाम बहुत तेजी से बढ़ा जा रही है कि मस्जिद का नाम आप आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हम तो उनको उनका प्रोजेक्ट कंसेप्ट बहुत पहले से था, सालों पहले से। हमें तो 2020 में मालूम है कि ये भी करना है। यू कांट कंपेयर दिस विद अस। वही बात मैंने बताई। देखिए, सवाल ये है कि ये मस्जिद अपने आप में बात होगी कि हमारी इस्लाम की 5 बुनियाद है, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। इस बुनियाद पे हम मस्जिद को खड़ा रखेंगे, इस बुनियाद पे होगी। और सवाल ये है कि हिंदुस्तान के अंदर ऐतिहासिक होगी ये, राजा और महाराजा कंपैरिजन जब करेंगे, फना और बका की बात करते हैं तो फना वो होते हैं जो राजा होते हैं। अब जैसे कि आप ताजमहल जाएंगे तो वहाँ पे ताजमहल में एक आपको मजार नजर आएगी जिसके ऊपर आज चिड़िया कौवे लीपते हैं। उसके बाजू में एक आपको एक दरगाह नजर आएगी सलीम चिश्तिया की जिसके ऊपर फूल चढ़ाया जाता है, वो बका है। और ये 100% ये मस्जिद बका होगी। इसका सवाल का जवाब यह होगा कि ताजमहल से खूबसूरत एक नायाब चीज हिंदुस्तान में आई, वो सवाल का जवाब होगा कि ताजमहल से खूबसूरत अगर कोई चीज होगी तो उसका सवाल का जवाब होगा वो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। बात रखता है, मेरा धर्म ये सिखाता है हर एक मजहब की इज्जत करना, तो कभी भी किसी भी चीज़ से कंपेयर कभी किसी ने भी करना नहीं चाहिए। ये होना चाहिए, वहाँ पे एक ऐसा पैगाम होना चाहिए दोनों जगह हिंदू और मुसलमान जाए और एक मोहब्बत का पैगाम पहुँचे। अगर राम मंदिर जो लेख देखने जब कोई जाए तो ज़रूर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद देखने के लिए वो वहाँ पर आए। तो इस तरीके से होगा फिश एक्वेरियम होगा, तो वहाँ पर हर धर्म का आदमी आके उस फिश एक्वेरियम को देख सकता है, हर एक चीज़ को देख सकता है। मेरा धर्म ये सिखाता है आपस में सबको गले लगाओ और गले लगा के मोहब्बतें बांटो। यही हम समझते, हम कभी भी किसी को अलग इस ये देश में हमारे पैगंबर ने और सरकार के नाते ये तरबियत हमको दी। बाबरकत नाम मोहब्बतें लाएगा, ये बाबरकत नाम 100 करोड़ हिंदू और 25 करोड़ मुसलमानों का आज वो किताब बंद होगी और ये नफरतें मोहब्बत में बदल जाएगी, मुझे ये यकीन है। ये तो पूरा ख्याल रखा जाए कि हॉस्पिटल, मैंने आपको कहा कि वकाउड हॉस्पिटल में जो कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है वो इमदादिया फंड पे बनने जा रहा है, इमदादिया हॉस्पिटल होगा। उस हॉस्पिटल के गेट के अंदर जो घुसेगा उसको 2 रुपये फॉर्म का भी भरना नहीं पड़ेगा, इस तरीके का भी ख्याल रखा जाएगा। ये हॉस्पिटल हर एक चीज़ का, दवाई का, इलाज का, और यहाँ तक कि उसको टिफिन लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। ये एक पैगाम लेके जाने के लिए, मैसेज देने के लिए करेंगे, यही है मुसलमान। इस तरीके का मोहब्बत का पैगाम हो जाता है
साथ खड़े होने का नाम ही मुसलमान, यही ईमान की पहली अमानत और यही होगी तबलीग। इसीलिए ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। हम सिर्फ अल्लाह से मदद मांगेंगे और अल्लाह इसके ऊपर मदद करेगा, और इंशाल्लाह ताला दिलों को पलटने वाला अल्लाह है। जैसे कहते फज़कुरूनी अज़कुरकुम, कुरान की आयत है, तू मेरा जिक्र कर तो मैं तेरा जिक्र करूँगा, तू मेरी नाशुक्री न कर मैं तेरी चर्चा करूँगा। इंशाल्लाह ताला उसकी चिंता आप ना करो, अल्लाह का घर अल्लाह ही बनाएगा। मेरी औकात एक ईंट देने की थी, हाजी अराफात शेख ने आज ईंट रखी। ऐसे हजारों हाजी अराफात, हजारों लाखों लोग जुड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला अल्लाह का घर जो बनाने के लिए हमने बुनियाद रखी उसके अंदर इंशाल्लाह ताला बहुत जरूरी जल्दी कामयाबी मिलेगी। हम लोग खरीदने के उसमें खरीदेंगे इंशाल्लाह। हर हिंदुस्तान का मुसलमान दुनिया में कहीं पे भी है, वो बिल्कुल अपने मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से ताउन कर सकता है, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम।